हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप जरूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा, यानी फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज मैं आई हूँ एयर एशिया का एक इंफॉर्मेशन देने के लिए। केबिन क्रू इंटरव्यू हो रहा है 1 मार्च 2020। ये इंटरव्यू जो हो रहा है दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स, क्योंकि आपको पता है कि हेन सबको पता है कि एयर एशिया बॉयज एंड गर्ल्स बोथ को रिक्रूट करता है एज ए केबिन क्रू, बट ये जो इंटरव्यू दिया गया है ये ओनली फॉर गर्ल्स है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ इंटरव्यू होगा, कब होगा, एंड ताकि आप जा सको एंड अपना इंटरव्यू दे पाओ। ये एक रेपुटेड एयरलाइंस है एंड इसमें आपका करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यू हो रहा है 1 मार्च 2020 में, एंड इनका जो वेन्यू है ये है होटल पार्क इन सिविल लाइंस गुड़गांव। यहाँ पर सुबह 9 से 11 बजे तक होगा, बट मतलब 9 से 11 बजे तक, 11 बजे के बीच में आने के लिए बोला गया है, बट आप 9 बजे से पहले ही जाना वहाँ पर। उसके बाद जो चीज़ है कि इसमें जो भी आप अप्लाई करेंगे इसका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम होना चाहिए 10+2, कोई भी स्ट्रीम से आप हो सकते हैं। एज है 18+, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप फ्रेशर्स एक्सपीरियंस बोथ भी जा सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके साथ साथ आपका जो मतलब लैंग्वेज नोन है वो हिंदी एंड इंग्लिश आपको आना ही चाहिए। इसके साथ अगर आप एक्स्ट्रा कोई लैंग्वेज जानते हैं तो ज़रूर उस पर मैंशन करिएगा। हाइट लड़की के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर है, एंड ये आपको शू उतार के आपको हाइट मेजरमेंट किया जाएगा, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर एक्चुअल हाइट। हाइट के साथ साथ जैसे हर केबिन क्रू इंटरव्यू में होता है एक BMI मेज़र किया जाता है, हाइट एंड वेट प्रोपोर्शन, जिसमें लड़की के लिए 18-22 इसके बीच में आपका BMI आना चाहिए। ये सारा क्राइटेरियाज अगर आपके पास है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप एयर एशिया का वेबसाइट में जाइए, वहीं पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट मिलेगा, वहीं पे आप जाके ऑनलाइन अप्लाई करके उनमें से एक मेल आएगा, मतलब एयर एशिया की तरफ से जो मेल आएगा कि कंफर्मेशन कि यू हैव रजिस्टर्ड, एंड वही मेल को आपको इंटरव्यू में कैरी करके लेके जाना है। आपको लेके क्या जाना है, आपका करंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डेफिनेटली ये एक फॉर्मल आउटफिट में आप पहन के जाइएगा, मतलब फोटो खींचिएगा जब फॉर्मल आउटफिट में, उसके साथ एक फुल लेंथ फोटोग्राफ ये भी आपको फॉर्मल आउटफिट में करना है। करेंट एक CV, आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर ID एंड ऑल एडुकेशनल सर्टिफिकेट। ऑल एडुकेशनल सर्टिफिकेट जितना भी है दो कॉपी करके जेरोक्स करके ले जाइएगा, एंड उसके साथ ओरिजिनल भी आप कैरी करिएगा। देखिए इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि आपको दूसरे केबिन क्रू के इंटरव्यू में जैसा होता है वैसे ही आपको कॉन्फिडेंटली ये इंटरव्यू फेस करना है, क्योंकि इसमें GD राउंड हो सकता है, इसमें पर्सनल इंटरव्यू राउंड तो होगा ही होगा जैसे होता है, बट डेफिनेटली इसमें कई जो स्टेप्स है उसमें आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो स्टेप को आपको कवर अप करना है। इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियो में जाइए, वहीं पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ये वीडियो मैं बहुत ही छोटा बना रही हूँ क्योंकि एक दिन बाद ही आपका इंटरव्यू है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कल तक आप तैयारी कर लेंगे हर चीज़ का, अगर आपके पास कोई भी चीज़ का कमी हो। उसके बाद मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि कौन से आप आउटफिट में जाएंगे इंटरव्यू में, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्सटर्नल ग्रूमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वैसे ही फॉर्मल आउटफिट पहन के जाइएगा जो मैं ऑल वीडियोज़ में बताते रहती हूँ। एंड जो चीज़ और मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो है वो अपना जो बेसिक मेकअप है उसको करके जाइएगा, एंड उसके साथ साथ आपका जो आउटफिट आप पहन के जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग वाला इंटरव्यू है, उसका कलर का सिलेक्शन भी आप अच्छी तरह से करिएगा, ताकि मतलब एक शूटिंग एक इफेक्ट लगे कि ऐसा ना हो कि वो ब्राइट कुछ पहन के चले गए, बिकॉज ये मॉर्निंग इंटरव्यू है, यू हैव टू थिंक अबाउट। यही इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आई थी 1 मार्च को। जो आप जा सकते हैं आप पहुँचिए वहीं पर। मेरा सजेशन ये रहेगा थोड़ा सा पहले ही पहुँच जाइएगा, अगर 9 बजे बोला है कम से कम 8:15 या 8:30 तक वहीं पे पहुंच जाना सबसे बड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं पे आएंगे एंड जैसे लोग आते हैं उसी के हिसाब से उसका मतलब नाम को एनरोल किया जाता है, तो ट्राई टू बी
फर्स्ट आपका नाम आए, पहले पहले टाइम पे नाम आए, क्योंकि तब इंटरव्यूअर्स भी फ्रेशर रहते हैं, आपका इंटरव्यू भी अच्छा होता है। तो चलिए यही इन्फॉर्मेशन के साथ आज मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। मैं फिर आऊँगी नए सब्जेक्ट के साथ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, आपका कोई फ्रेंड अगर केबिन क्रू बनना चाहते हैं, ऐसा ड्रीम है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। मैं फिर आऊँगी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।